हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद, आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर क्लास वन से लेके क्लास ट्वेल्व तक सारा एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है, जहां पर आपको किसी भी तरीके का कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कभी भी आपसे ये नहीं बोलता कि किसी भी चीज़ के हम आपको दो चैप्टर्स पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट और उसके बाद अगर आपको और फर्दर देखना है तो आपको पे करना पड़ेगा या फिर आपको पैसे देना पड़ेंगे, ऐसा कभी नहीं होता मैग्नेट ब्रेन्स पर। ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारा गोल नहीं है, ये हमारा विजन नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स पूरी तरह से डेडिकेटेड है कि हर तरीके की परिस्थितियों में कुछ भी हो जाए, चाहे पैंडेमिक आ जाए या कुछ हो जाए, मगर आप तक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए, आप तक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पहुँचाया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि किसी भी परिस्थिति में आपकी लर्निंग, आपकी शिक्षा, आपकी दीक्षा और सबसे इम्पॉर्टेंट इससे होने वाला आपका बौद्धिक विकास ना रुके। सो इसी नोट पर वी विल बी स्टार्टिंग अवर लेक्चर फॉर टुडे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अभी हिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ उसकी तीसरी किताब और उसका जो लास्ट चैप्टर है या फिर थीम नंबर 15 उसका हम लोग अपना डिस्कशन कर रहे हैं, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किस तरीके से फॉर्म किया गया था उसके बारे में लास्ट लेक्चर में अपनी बातचीत कर खत्म की थी। आज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो विजन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किन बातों को लेकर आगे चल रही थी, किस तरीके के प्रावधान उसने संविधान में डाले और उसी तरीके के प्रावधान संविधान में क्यों डाले, इन सारी बातों का हम लोग इन सारे सवालों का हम लोग जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और इसी सारे डिस्कशन को हम लोग आगे लेकर आज चलने। So now, without any further ado, here we begin, and our first topic for today's lecture is going to be the vision of the Constitution. चलें जी, शुरू करते हैं। तो हुआ ये कि भाई 13 दिसंबर 1946 को हमारे जो आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू साहब, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र आया था, फिर हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बातचीत करेंगे। 13 दिसंबर 1946 को आपके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, आजाद भारत या आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री, ये संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखते हैं, एक आपका रेजोल्यूशन पेश करते हैं, जिसको जिस प्रस्ताव जिस रेजोल्यूशन या जिस डॉक्यूमेंट का नाम है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत का जो संविधान लिखा जाना है, जो आजाद हिंदुस्तान है इसका जो संविधान लिखा जाना है, वो किन आइडियल्स को ध्यान में रखकर लिखा जाएगा, वो किन बातों को ध्यान में रखकर लिखा जाएगा, उसमें किस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, किन बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे, किस तरीके के प्रिंसिपल्स जो हैं उसके ऊपर इसका फाउंडेशन बनाया जाएगा, उन सारी बातों का एक आप कह सकते हैं जो आउटलाइन थी वो हमको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में देखने के लिए मिलती है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये कहता है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश बनेगा जो सबके साथ बराबरी से ट्रीटमेंट करता है, किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करता, और दूसरा बात यह कि यहां पर किसी भी तरीके की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने वाली है। इसके बाद में यहां पर सबके साथ बराबरी से ट्रीटमेंट होगा, यहां पर सेक्युलरिज्म रहेगा, यहां पर धार्मिक उन्माद नहीं होगा, यह इंश्योर करेगा कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को कुछ खास तरीके की जो है जस्टिस वगैरह दी जाए, इकोनॉमिक और आपकी सोशल तरीके की इक्वालिटी वगैरह दी जाए और बाकी सारी चीजें वगैरह जो है की जाए। इस तरीके से डॉक्यूमेंट में काफी सारी बातें बताई गई थी कि जो हिंदुस्तान हम बनाना चाहते हैं बेसिकली वो कैसा होना चाहिए। तो जैसे अलग अलग जो इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बातें की गई थी कि एक ऐसा हिंदुस्तान हो जिसमें कोई भेदभाव ना हो, एक ऐसा हिंदुस्तान हो जिसमें सब बराबर हो, एक ऐसा हिंदुस्तान जिसमें धार्मिक उन्माद ना हो, जिसमें रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एक ऐसा हिंदुस्तान जो सबकी बराबर से इज्जत करता हो, सबको से आगे बढ़ने का मौका देता है। इस तरीके से अलग अलग बातें जो हैं आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखी हुई मिलती हैं। अब इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो आइडियल्स आपको दिए गए हैं कि भाई ऐसा एक हिंदुस्तान चाहिए, अब ऐसा हिंदुस्तान बनाने के लिए हमको एक ऐसा संविधान चाहिए जो ऐसे रास्ते पर हमको हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं इसको इंश्योर करे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इन सारे आइडियल्स को ध्यान में रखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का रहेगा, इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो किन आइडियल्स को ध्यान में रखकर लिखा जाएगा, ये सब बेस्ड है इस डॉक्यूमेंट के ऊपर जिसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश किया था हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब ने, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने इसको पेश किया था। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये हमको वो फ्रेमवर्क देता है जिसके बेसिस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनेगा वो प्रोसीड हुआ था। तो इसने हमको एक दिशा दिखाई कि हमें इस तरीके का संविधान लिखना है और अकॉर्डिंगली जो है हम लोगों ने फिर उस रास्ते में बढ़ते हुए इस तरीके का संविधान लिखा। सबसे पहली बात कि हमारा जो संविधान है
वो किस तरह का वो इंडिया को किस तरीके का देश जो है वो बताएगा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने इस बात को जो है क्लेरिफाई किया ताकि हिंदुस्तान एक इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक के तौर पर जो है वो जाना जाएगा। इंडिपेंडेंट का मतलब कि हम किसी के गुलाम नहीं है, सोवरेन का मतलब यह है कि हमारे ऊपर कोई और देश जो है वो अपनी दादागिरी नहीं चला सकता, हमको कोई और गाइड नहीं कर सकता, हम हमारे फैसले खुद लेंगे। और रिपब्लिक का मतलब कि हमारे यहां हर व्यक्ति जो है वो इलेक्ट होकर आएगा, हमारा जो हाईएस्ट ऑफिस तक जो है उसमें व्यक्ति का इलेक्शन होगा। कोई भी व्यक्ति जो है वो आपका ऐसा नहीं है कि नॉमिनेट होकर आ रहा है, या कोई व्यक्ति किसी राज परिवार से आता है या किसी पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करता है, इस तरीके से जो है कोई व्यक्ति आपका आ जाएगा। हमारे यहां कोई व्यक्ति अगर आपका हाईएस्ट पोस्ट तक भी पहुंचेगा तो वो इलेक्ट होकर आएगा, उसका इलेक्शन होगा। तो ये तीन बातें जो है हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कहा गया था कि हम हिंदुस्तान को एक इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली हमारे संविधान ने भी हिंदुस्तान को एक सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक जो है डिक्लेयर किया है आपके प्रीएम्बल में या फिर आपकी प्रस्तावना में। वो मोटिवेशन उसे कहां से मिला? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, जो क्या बोल रहा है कि हिंदुस्तान एक इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक होगा। तो याद रखिएगा, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जब आप ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये कहता है कि एक ऐसा देश बनेगा, एक ऐसा हिंदुस्तान बनेगा जो इंडिपेंडेंट है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बड़ी गुलामी जो है एक लंबे वक्त तक झेली है। हमारे ऊपर लोगों ने आकर बाहर से हमारा शोषण किया है, शासन किया है। अब ये नहीं होगा, मतलब अब ये नहीं होगा, हिंदुस्तान अब आजाद है और हिंदुस्तान के ऊपर अब किसी की दादागिरी नहीं चलेगी, हम किसी के गुलाम नहीं बनेंगे, ना है और अब ना बनेंगे। तो ये एक बात आपका इंडिपेंडेंट जो शब्द है उससे समझ में आती है। सोवरेन का मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर टू में जैसे ही आपके जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया, उसके बाद में ब्रिटेन ने और फ्रांस ने जर्मनी के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब ना हम लोगों से ब्रिटेन वालों ने पूछा, ना हमसे राय ली, ना हमसे जाना, और ये बोल दिया कि हम तो जर्मनी के खिलाफ वॉर लड़ेंगे ही लड़ेंगे, मगर इंडिया जो है वो भी हमारा साथ देगा। यानी कि हमारे फैसले भैया तुम ले रहे हो। सवाल ये उठता है कि हमारे फैसले लेने वाले तुम होते कौन हो? वॉर हो रहा है यूरोप में, ना हम लेने में ना हम देने में, यानी कि ना हम तीन में ना हम तेरह में, मगर तुमने अपने वॉर में ये डिक्लेयर कर दिया कि हिंदुस्तान जो है वो भी तुम्हारी तरफ से या तुम्हारे बिहाफ पर तुम्हारे साइड से आपका जर्मनी के खिलाफ लड़ेगा। ऐसे कैसे? आप हमारी तरफ से फैसले लेने वाले होते कौन हो? मगर उस वक्त हम लोग ये कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम लोग बेसिकली ब्रिटेन के गुलाम थे। अब ये चीज नहीं हो सकती, अब हम आजाद हैं और अब हम सोवरेन हैं, हमारी तरफ से कोई निर्णय नहीं लेगा, हमारा फैसला क्या होगा ये हम लोग खुद डिसाइड करेंगे। और तीसरा रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या हो गया? मैंने जैसे बताया था, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि किसी अब यहां पर ना कोई राजा होगा, ना कोई यहां पर रजवाड़े होंगे, ना यहां पर अब ऐसा होगा कि हमारे हाईएस्ट पोस्ट से लेके लोएस्ट पोस्ट तक में कोई पोस्ट किसी के लिए रिजर्व कर दी गई, ये बोल के कि ये राजा साहब जो है इन्हीं का बेटा इस पर आएगा या उन्हीं का जो बेटा है वो इस पर जाएगा। अब हमारे यहां ऐसा नहीं होगा। रिपब्लिक का मतलब यह है कि हमारी हर जो आपका पब्लिक ऑफिस है, जो आपके पावर की और अथॉरिटी की जो भी पोजिशन है, उस पर जो भी व्यक्ति आएगा वो चुनाव लड़कर आएगा, वो चुनाव जीत कर आएगा, लोगों के द्वारा इलेक्ट होकर आएगा, चाहे डायरेक्टली इलेक्ट होकर आए, इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आए, डिपेंड नहीं करता, मगर वो इलेक्शन लड़कर आएगा, वो चुना जाएगा, वो किसी पर्टिकुलर का बेटा होने के नाते, किसी राज परिवार का होने के नाते, किसी का कुछ होने के नाते जो है वो आपका इलेक्शन वो होने के नाते जो है वो आपका चुनकर वो किसी पर्टिकुलर पोस्ट पर नहीं बैठा दिया जाएगा, वो अगर आएगा तो उसको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। सीधी सीधी सी बात है, किसी भी तरीके से वो इलेक्ट होकर आएगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात है, ये तीन बातें बताती हैं कि हिंदुस्तान आने वाले वक्त में कैसा होगा। अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस पर ही हम लोगों ने अपने देश में का जो की संभावना की जो प्रस्तावना है और हमारे देश का जो डिक्लेरेशन है उसमें बात लिखी है कि हम लोग इंडिपेंडेंट सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब ये इसके साथ ही साथ हमारा जो संविधान है उसने भी ये चीजों को जो है अडॉप्ट किया और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी ये बात बोलता है कि ये जो देश हम बना रहे हैं, इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक जो हम बनाएंगे, ये अपने सारे नागरिकों को जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम देगा। यानी कि यहां पर सबके साथ में न्याय होगा और बराबरी से न्याय होगा। दूसरा, यहां पर हर तरीके के हर जो नागरिक है वो बराबर है और सबको जो है आजादी है। जस्टिस का मतलब अब ये नहीं है कि आप अगर मजबूत व्यक्ति हो तो फिर आपके खिलाफ जो है कानून सख्ती से पेश नहीं आएगा, और अगर आप कमजोर व्यक्ति हो तो फिर आपके ऊपर हंटर चलेगा, अगर आपके आर्थिक स्थिति ठीक है तो फिर आपका जो है पहले जो है आपको पहले आओ पहले पाओ की नीति पर चलते हुए आपके केस पहले सुने जाएंगे, और जो गरीब आदमी है वो अपनी चप्पलें सालों साल जो है घिसता रहेगा। अब ऐसा नहीं होने वाला। हिंदुस्तान में सब बराबर हैं, सबको बराबरी से जो है, सबसे पहली बात तो हिंदुस्तान में सब बराबर हैं। आप चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे आप टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे एक सामान्य सा जो आदमी है जो आपका चाय बेच रहा है आपका, या फिर सामान्य सा जो व्यक्ति है जो आपकी दुकान चला रहा है, एक आम जो आपका 10 से 5 की नौकरी करने वाला आपका एक सरकारी मुलाजिम है या कोई भी एक बिजनेसमैन है, सब जो है आपका
बराबर है आपका, इनके बीच में किसी भी तरीके का कोई जो है भेदभाव कानून की नजरों में, संविधान की नजरों में नहीं किया जा सकता, और सबके साथ में बराबरी से न्याय किया जाएगा, सबको जो है अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की आजादी है। तो साथ एक तो ये बातें हो गई। इसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में यह बोला गया है कि जो हमारी माइनॉरिटीज वगैरह हैं, जो हमारी अकलियतें हैं, जो हमारे यहां पे आपका अल्पसंख्यक हैं, वो हो गए, और जो हमारी बैकवर्ड क्लासेस वगैरह हो गई, संविधान इस बात की या फिर पूरा तरीके से अश्योरेंस करेगा, गाइडेंस देगा कि ये देश आपके जो भी आपके हित वगैरह हैं उनका सेफगार्ड किया जाए, आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन वगैरह मिले, और आपके साथ में किसी भी तरीके का कोई गलत भेदभाव ना हो, आपके साथ में किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए ये सारी चीजें की जाएंगी। ये देश वैसा देश नहीं बनेगा जो धर्म के आधार पर आपसे ये बोल दे कि आप किसी से कम हैं, या फिर आप किसी से ज्यादा हैं, या फिर ये बोल दे कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आप किसी पर्टिकुलर पोस्ट पर नहीं जा सकते, या फिर आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म से हो, किस जाति से हो, किस संप्रदाय से हो, आप कानून की नजरों में बराबर हो। और साथ ही साथ जो क्लासेस सामाजिक हमारे यहां जो एक सर्कमस्टांसेस रही है, जो एक आपकी अपब्रिंगिंग रही है, जो आपका पूरा का पूरा एक जिंदगी हमारे देश ने एक लंबा सफर जो काटा है, हजारों सालों का जो इतिहास रहा है, उसके कारण जो कई क्लासेस आपकी बैकवर्ड क्लासेस हो गई हैं, उनके लिए प्रॉपर सेफगार्ड वगैरह लगाए जाएंगे ताकि उनका किसी तरीके से अब और ज्यादा शोषण ना हो सके। और जो शोषण वगैरह हुआ था जिसके कारण उनकी सामाजिक स्थितियां ठीक नहीं है, उनके उनको ठीक करने के लिए भी जो है काफी सारे काम वगैरह किए जाएंगे। ये सारी बातें भी जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में देखने के लिए मिलती हैं। अब ये जो सारी बातें कही गई हैं, ये जो आपका सारा का सारा ये बातें निकल कर आती हैं, एक सवाल ये उठता है कि आखिर नेहरू जी के दिमाग में आया कैसे कि अपने को ऐसा देश बनाना है जिसमें ये सारी चीजें होंगी और वो ऐसा होगा और उसमें ये होगा और वो होगा। एक क्वेश्चन तो उठता है दिमाग में कि आखिर नेहरू जी के दिमाग में बात आई तो आई कैसे। इस बात को समझने के लिए नेहरू जी ने जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो आपकी पूरी की पूरी एक स्पीच दी है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखते वक्त में, वो स्पीच का अब हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। उससे हमको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, उससे हमको एक अंदाजा मिलेगा, उससे हमको एक समझ में आएगी एक बात कि आखिर नेहरू जी की सोच अगर ऐसी थी तो क्यों थी। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, जो नेक्स्ट चीज हम लोग देखने वाले हैं, वो है जवाहरलाल नेहरू साहब ने 13 दिसंबर 1946 को जो एक स्पीच दी थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखते वक्त कि अगर आप अपने संविधान को ऐसा बना रहे हो कि वो इंडिपेंडेंट हो, सोवरेन हो, रिपब्लिक हो, अगर आप ये बोल रहे हो कि हर नागरिक को जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम दिया जाए, अगर आप ये बात कह रहे हो कि बैकवर्ड क्लासेस और अकलियतों को आप एडिक्वेट सेफगार्ड्स वगैरह देने वाले हो, तो आखिर ये सारी चीजें आप क्यों कर रहे हो? नेहरू जी आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसी तरीके का संविधान क्यों बना रहे हैं? आखिर ये आपका ऐसा क्यों नहीं कर देते कि एक अपने आप को राजा डिक्लेयर कर लेते और ये बोल देते कि अब मेरी फैमिली के जो लोग हैं वही अब आपके जो है आके यहां पे प्रधानमंत्री बनेंगे, या फिर एक सर्टेन जो आपका कांग्रेस के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री बनेंगे और बाकी सब जो हैं उनको हमारी बात मानना पड़ेगी, ऐसा भी तो कर सकते थे, फिर ऐसा क्यों नहीं किया? आखिर क्या वजह थी कि यही सारी चीजें डाली गई? इसका जवाब हमको नेहरू जी खुद देंगे, इसका जवाब हमको नेहरू जी की जो स्पीच है उसका एनालिसिस करकर जो 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में की थी ये आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखते वक्त में, उससे हमको समझ में आएगा, उससे हमको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आखिर उन्होंने इसी तरीके की जो बातें हैं अपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्यों करी, और फिर इन्हीं को फिर अल्टीमेटली आगे चलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों अडॉप्ट किया गया, वो नेहरू जी की स्पीच का एनालिसिस करके हमको ये बात समझ में आएगी जो स्पीच उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखते वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने दी थी। अब जो ये जो स्पीच जो नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करते वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने दी थी, एनसीईआरटी में इस स्पीच को एक हेडिंग के साथ में छापा गया है, एक हेडिंग के साथ में लिखा गया है दैट वी आर नॉट गोइंग जस्ट टू कॉपी, कि सिर्फ हम जो हैं कॉपी नहीं करने वाले। पहले तो इस बात का कंटेक्स्ट समझते हैं। हुआ यह था कि हिंदुस्तान का जो संविधान लिखा गया है उसके पहले कम से कम हम लोगों ने उस वक्त के 60-65 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन जो थे उनको स्टडी किया, सबसे हम लोगों ने कुछ ना कुछ अच्छी बातें देखी, कुछ ना कुछ उनमें खामियां भी देखी, और उनमें से हम लोगों ने जितना अच्छा हो सकता था उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करी ताकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन निकल कर आए और हमको एक बेहतर देश दे सके। मगर अब इसका यह भी मतलब नहीं है कि हम लोगों ने अगर अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ प्रावधान उठाए हैं तो उनको जस का तस हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। हमने एनालिसिस किया है और काफी एनालिसिस वगैरह करने के बाद में हम लोगों ने जो है इस पर्टिकुलर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधानों को शामिल किया है, हमारी जो परिस्थितियां उनके अनुसार हम लोगों ने कई सारी चीजों में बदलाव भी किए हैं। तो नेहरू जी यहां पे वही बात जो करेंगे अभी इस पर्टिकुलर स्पीच में कि हम लोग सिर्फ लोगों से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, पहले तो वो ये समझाएंगे कि आखिर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की हमारी प्रोसेस है, हम लोग जो यहां तक पहुंचे हैं कि हम अपने देश का संविधान लिख रहे हैं, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, कहां कहां से ये मोटिवेशन उठाते हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रख रहे हैं इसमें जो आइडियाज वगैरह हैं इनका इंस्पिरेशन इनको कहां से मिला, एंड लास्ट में फिर वो ये बात भी इसमें करेंगे कि हम लोग सिर्फ कट कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं कि किसी भी संविधान से कुछ भी उठाया और उसके बाद में अपना संविधान बना दिया ना।
ऐसा नहीं होगा। हम लोग यहां पर बकायदा हर एक संविधान को पढ़कर हिंदुस्तान की परिस्थितियों के अनुसार अगर कोई चीज हमको लगता है कि हमें अडॉप्ट करनी चाहिए तो उसमें नेसेसरी मॉडिफिकेशंस कर अडॉप्ट करने वाले हैं। तो हम लोगों से सीख रहे हैं, हम लोगों को कॉपी नहीं कर रहे हैं, ये बात अल्टीमेटली इस स्पीच में निकल कर आएगी। तो इसी हेडिंग के साथ में एनसीईआरटी में आपको ये देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग स्पीच के ऊपर आते हैं। पहला पॉइंट वो कहते हैं, माई माइंड गोज बैक टू द वेरियस कंस्टिट्यूएंट असेंबलीज दैट हैव गॉन बिफोर एंड ऑफ वॉट टुक प्लेस एट द मेकिंग ऑफ अ ग्रेट अमेरिकन नेशन वेन द फादर्स ऑफ दैट नेशन मेट एंड फैशन आउट अ कंस्टिट्यूशन विच हैड स्टूड द टेस्ट ऑफ सो मेनी ईयर्स फॉर मोर देन अ सेंचुरी एंड अ हाफ एंड ऑफ द ग्रेट नेशन विच हैज रिजल्टेड विच हैज बीन बिल्ट अप ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंस्टिट्यूशन। यानी कि यहां पर यह सबसे पहले बातचीत कर रहे हैं अमेरिकन कंस्टिट्यूशन की और अमेरिकन कंस्टिट्यूएंट असेंबली की। माई माइंड गोज बैक टू द वेरियस कंस्टिट्यूएंट असेंबलीज, मेरा जो मन है इस वक्त उन बहुत सारी कंस्टिट्यूएंट असेंबलीज को याद कर रहा है दैट हैव गॉन बिफोर एंड ऑफ वॉट टुक प्लेस एट द मेकिंग ऑफ ग्रेट अमेरिकन कंस्टिट्यूशन, जो पहले बनाई जा चुकी थी और उनमें खास तौर पर मुझे याद आ रहा है वो उस कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जिसने ये जो अमेरिकन नेशन बनकर तैयार हुआ है इसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखकर तैयार किया था। व्हेन द फादर्स ऑफ दैट नेशन मेट एंड फैशन्ड आउट अ कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे ध्यान आ रहा है वो वक्त जब इस ग्रेट अमेरिकन नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अमेरिकन नेशन के फादर्स बैठे थे। फादर से मतलब जिन्होंने इस देश को बनाने में, अमेरिका को बनाने में अग्रणी योगदान निभाया था, वो लोग बैठे थे एंड लगभग 150 साल पहले उन्होंने एक ग्रेट नेशन की जो है नींव रखी थी व्हिच हैज बीन बिल्ट अप ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको संविधान के बेसिस पर बनाया गया, बिल्ड किया गया, जो इन लोगों ने बैठकर लिखा था पहले। यानी कि उन्होंने अपने स्पीच में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और उनके मेकर्स को याद किया कि भाई इन लोगों ने, मैं याद कर रहा हूं उस टाइम पीरियड को कि हमसे पहले कितने सारे देशों के संविधान लिखे गए, कितने सारे देशों ने अपने अलग की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हमसे पहले भी मिली हैं और उन्होंने अपने अपने देश के संविधान बनाकर अपने मॉडर्न जो नेशंस हैं उनका जो भी रहने वाली है आगे प्रोग्रेस वगैरह उसकी एक नींव रखी है। खास तौर पर मैं अमेरिकन जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसे याद कर रहा हूं कि उसके जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो लोग मिले और उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जिसने इतने ग्रेट नेशन की नींव रखी थी लगभग 150-200 साल पहले, तो वो उसके बारे में बात कर रहे थे। अब उसके आगे वो बढ़ते हैं, माई माइंड गोज बैक टू दैट माइटी रिवॉल्यूशन विच टुक प्लेस also over 150 years ago and to the Constituent Assembly that has met in the gracious and lovely city of Paris which had fought so many battles for freedom। अब इसके आगे ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जिक्र करते हैं और ये बोलते हैं कि मैं साथ ही साथ उस माइटी रिवॉल्यूशन को याद कर रहा हूं जो वो भी जो है लगभग 150 साल पहले के करीब यहां हुई थी। कहां पर हुई थी? पेरिस में। और वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली थी उसने जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह लिखा था। तो बेसिकली वो यहां पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बातचीत कर रहे हैं। तो माइटी सिटी ऑफ पेरिस जहां पर इतनी लड़ाइयां हुई हैं वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली है और उसने फिर वहां पर इतना बड़ा एक रिवॉल्यूशन लेकर वो आ गए, अब वो उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। यानी कि पहले उन्होंने अमेरिकन रिवॉल्यूशन को याद किया है, उसके बाद वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को याद कर रहे हैं। मतलब यहां से हमको ये समझ में आता है कि नेहरू जी को उस टाइम पीरियड में जो कंटेम्प्रेरी बड़े बड़े इवेंट्स हुए थे और उसके पहले जो उनका टाइम पीरियड था 150-200-300 साल में जो इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी थी उसका नॉलेज, ना सिर्फ नॉलेज था मगर वो उनसे बकायदा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन उठा रहे थे। आगे ये कहते टू द डिफिकल्टीज दैट द कंस्टिट्यूएंट असेंबली हैड एंड टू हाउ द किंग्स एंड अदर अथॉरिटीज कम इन द वे एंड स्टिल इट कंटिन्यूड। आगे ये कहते हैं कि हाल जो पेरिस में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली थी मैं उसको भी याद कर रहा हूं। पेरिस एक ऐसी जगह जहां पर आजादी के लिए इतनी जंगें लड़ी गई हैं, इतना माइटी शहर जहां पे फ्रीडम को लेके इतनी जो है इतना खून खराबा हुआ है। अब उस वक्त जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पेरिस में मिलती है आपका, जिसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था पूरा, अब राजा ने और बाकी लोगों ने कितने अड़ंगे लगाए इन लोगों को रोकने के लिए मगर फिर भी ये लोग रुके नहीं, ये लोग झुके नहीं, ये लोग आगे बढ़ते रहे, ये लोग लड़ते रहे। तो मैं उनको भी याद कर रहा हूं कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखने वाले मतवाले और परवाने किस्म के वो लोग थे। तो नेहरू जी ने पहले आपका अमेरिकन रिवॉल्यूशन की बात करी है और उसके बाद में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करी है। चलें आगे बढ़ते हैं। फिर ये कहते हैं, The House will remember that when these difficulties came and even the room for a meeting was denied to the then Constituent Assembly, they betook themselves to an open tennis court and met there and took the oath. अब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसी के बारे में आगे बात करके कहते हैं कि मैं याद कर रहा हूं उन लोगों को कि जिनको जो मिले थे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाने के लिए और राजा ने इतने अड़ंगे लगाए थे, उसी में ये आगे बातचीत करते हुए कहते हैं, द हाउस विल रिमेंबर, हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पर याद रखेंगे उन सारी परेशानियों को जो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फेस करी थी जिनके बाद में फिर आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन आ गया था और उन्होंने अपने
और जब उनको एक रूम भी नहीं दिया गया मीटिंग वगैरह के लिए, तो वो किस तरीके से एक ओपन टेनिस कोर्ट में जाके खड़े हो गए थे और वहां पर उन्होंने अपनी शपथ ली थी, हम लोग उसको भी याद रखेंगे, विच इज कॉल्ड द ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट। अब ये क्योंकि इन लोगों को एक रूम भी जो है वो मीटिंग के लिए नहीं दिया गया, राजा ने इतने अड़ंगे लगाए कि तुम्हें जाके अपना कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनने का शौक आ रहा है, जाओ मैं तुम्हें कमरा तक नहीं देता जहां पर तुम लोग मीट कर सको। तो जब ये लोग जाकर फिर आपका एक ओपन टेनिस कोर्ट में खड़े होते हैं और टेनिस कोर्ट में अपना ये शपथ वगैरह लेके वहां पर कंस्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पर काम करना शुरू करते हैं, तो वो जो ओथ थी उसको कहा गया था ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट। तो नेहरू जी कह रहे हैं कि हमारा जो हाउस है जो यहां पर अब मिला है भारत का संविधान लिखने के लिए, ये उन लोगों को भी याद रखेगा जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन लाने के पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने इतनी परेशानियां आ गई थी फिर भी वो झुके नहीं राजा के सामने, और क्या उन्होंने मतलब जो है एक आपका जीजी विशा का प्रदर्शन किया है, क्या उन्होंने जीवट दिखाया है, क्या उन्होंने मतलब अपना एक कैरेक्टर शो किया था कि तुम हमें रूम नहीं दे रहे हो तो हम टेनिस कोर्ट में जाकर मीट करेंगे, वहां पर शपथ लेंगे, और उस शपथ को बकायदा आपका ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट जो है नाम दे दिया गया था। दे कंटिन्यूड इन स्पाइट ऑफ किंग इन स्पाइट ऑफ अदर्स एंड डिड नॉट डिस्पर्स टिल दे हैड फिनिश्ड द टास्क दैट दे हैड अंडरटेकन। इस बात को एक तरफ रखते हुए कि राजा इतने अड़ंगे डाल रहा है, राजा के सपोर्टर इतने अड़ंगे डाल रहे हैं कि ये किसी भी तरीके से इनको रोका जाए, संविधान संविधान जो बना रहे हैं इसको खत्म किया जाए, इतना सब होने के बाद में इतनी परेशानी आने के बाद में भी वो जो लोग थे वहां से हटे नहीं, झुके नहीं, अड़े रहे, लड़ते रहे, और जब तक उनका वो ऑब्जेक्टिव कि हम फ्रांस के लिए एक संविधान बनाए बिना नहीं मानेंगे, हम राजा के जो पर है उनको काटे बिना नहीं मानेंगे, जब तक ये ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो गया वो लोग वहां से नहीं हटे तो नहीं हटे। ये जो एक मोटिवेशन है, ये जो एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक हमको एक देखने के लिए मिलती है चीजें, हम एज अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली इन बातों को ध्यान रखेंगे। यहां तक नेहरू जी ने अभी अपनी कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कोई बातचीत नहीं करी है, वो बात कर रहे हैं पुराने कंटेक्स्ट की, लगभग 150 साल पहले हुए दो इवेंट्स, अमेरिकन रिवॉल्यूशन और उसमें जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी जिसने संविधान लिखा और जिसके नतीजे में फिर अमेरिकन देश जो अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इतने ग्रेट नेशन के तौर पर निकल कर आया उसकी बात करी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की खास तौर पर उन्होंने लंबी चौड़ी बातचीत करी कि इतनी परेशानियां आई मगर उसके बाद भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वक्त में जो लोग मिले थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए राजा ने इतने अड़ंगे डाले फिर भी वो लोग नहीं झुके, नहीं माने, जब तक उन्होंने वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर लिया कि राजा के पर कटेंगे, राजा के हाथ से राजा के मन में जो आता है वो नहीं कर सकेगा, हमारे ऊपर अब अत्याचार नहीं होंगे, इस देश में अब लोगों को इस ये फ्रांस की बात कर रहा हूं मैं, इस देश को अब इसके लोगों का सुनना पड़ेगा, राजा ऊपर से बैठ के अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ जो लोग मिले थे और जिन्होंने टेनिस कोर्ट तक में शपथ ले ली जब उनको एक आपने पूरा का पूरा रूम नहीं दिया शपथ लेने के लिए, ऐसे लोगों को भी हम याद करेंगे, उनसे भी हम लोग मोटिवेशन उठाएंगे और इन सबको याद करते हुए हम अपना काम जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पर शुरू करेंगे। अब आगे नेहरू जी कहते हैं, वेल आई ट्रस्ट दैट इट इज इन दैट सोलम स्पिरिट दैट वी टू आर मीटिंग हियर एंड दैट वी टू वेदर वी मीट इन दिस चैम्बर और अदर चैम्बर और इन द फील्ड्स और इन मार्केट प्लेस विल गो ऑन मीटिंग एंड कंटिन्यू अवर वर्क टिल वी हैव फिनिश्ड इट। अब इसी से इंस्पिरेशन लेते हुए नेहरू जी कहते हैं कि मैं ये मानता हूं कि हम सब लोग भी उसी स्पिरिट के साथ में यहां पर बैठे हैं, उसी स्पिरिट के साथ में हम लोग यहां पे मिले हैं जिस स्पिरिट के साथ में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ये परवाने जो थे ये मिले थे, और इन्होंने इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट की 50 तरीके की परेशानियां आई हैं झुके नहीं, हम भी वही करेंगे जिस ऑब्जेक्टिव के साथ में हम लोग यहां पर मीट किए हैं कि हिंदुस्तान का एक संविधान बनाना है जिसके बेसिस पर हम लोग इस देश को आगे लेकर जाएंगे, जिसके बेसिस पर यह देश जो है तरक्की करेगा, जिसके बेसिस पर यह देश प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, उसके लिए जो संविधान बनाना है जिसके लिए हम लोग मीट करना है, चाहे हम लोग इसी चैंबर में मीट करें चाहे हम लोग कहीं और मीट करें, बट हम भी उसी स्पिरिट के साथ में मीट कर रहे हैं जिस स्पिरिट के साथ में फ्रेंच रिवॉल्यूशन आने के लिए जो लोग थे ये लोग मीट किए, तो जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार नहीं होगा हम भी शांत चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक ये ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा हम लोग भी चैन से नहीं बैठने वाले। तो कुल मिला के ये यहां पर एक मोटिवेशन बता रहे हैं अपना कि कहां से जो है हिंदुस्तान का जो का प्रथम प्रधानमंत्री जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रख रहा है जिसके बेसिस पर इस देश का संविधान लिखा जाएगा वो आखिर मोटिवेटेड किन चीजों से है, वो आखिर किन चीजों से अपना इंस्पिरेशन उठा रहा है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। इसके आगे नेहरू जी बोलते हैं, देन माय माइंड गोज बैक टू अ मोर रीसेंट रिवॉल्यूशन व्हिच गेव राइज टू अ न्यू टाइप ऑफ स्टेट, द रिवॉल्यूशन दैट टुक प्लेस इन रशिया एंड आउट ऑफ विच हैज अराइजन द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। अब अभी तक नेहरू जी ने किन की बात कर ली है, अभी तक उन्होंने अमेरिकन रिवॉल्यूशन की बात करी है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करी है, अब उसके बाद में वो बातचीत कर रहे हैं 1917 का जो सोवियत रिवॉल्यूशन हुई थी जिसको अक्टूबर रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है, जिसके नतीजे में फिर आपका जो है सोवियत यूनियन निकल कर आया था उसके बारे में। तो और हम लोगों ने इनफैक्ट पढ़ा भी हुआ था गांधी जी वाला चैप्टर में कि नेहरू जी जो है वो सोशलिज्म की तरफ थोड़ा झुकाव रखते भी थे, जो सोवियत की आइडियोलॉजी थी
इसकी तरफ उनका थोड़ा सा एक कह सकते हैं सॉफ्ट कॉर्नर उनके मन में था। तो अब ये तीसरी रिवॉल्यूशन या फिर वो तीसरा एक इंपॉर्टेंट इवेंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले घटा था, जिसका नेहरू जी के ऊपर असर पड़ा है उसके, या नेहरू जी जिससे इंस्पिरेशन लेते थे या मोटिवेटेड थे या इंस्पायर्ड थे, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो नेहरू जी आगे कहते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अमेरिकन रिवॉल्यूशन की, अमेरिकन रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बात करने के बाद अब नेहरू जी आगे कहते हैं कि अब इसके बाद में जो मेरा दिमाग है वो एक बहुत रीसेंट रिवॉल्यूशन की तरफ जाता है जो कब हुई थी 1917 में, और जिसके नतीजे में क्या हुआ, एक बहुत एक अलग तरीके का जो है स्टेट या फिर एक नए तरीके का जो राज्य है, एक नए तरीके का देश जो है वो निकल कर आया। ये रिवॉल्यूशन कहां पर हुई थी, रशिया में हुई थी, और इसके नतीजे में क्या हुआ था, एक नया देश बना था जिसका नाम था द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ये जो सोवियत यूनियन या फिर जो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर भी जिसको बोला जाता था, जो ये निकल कर आया था, ये जिस रिवॉल्यूशन के नतीजे में, मैं उस रिवॉल्यूशन को भी याद कर रहा हूं, ये भी अब अपने आप में एक माइटी एम्पायर था जिसने एक बहुत ट्रेमेंडस रोल जो है वो अदा किया है दुनिया में, दुनिया के नक्शे पर जब से ये देश बनकर आया है तब से ये बहुत ट्रेमेंडस रोल जो है पूरी दुनिया में अदा करता आ रहा है। ना सिर्फ ये एक माइटी कंट्री है, नॉट ओनली अ माइटी कंट्री बट ऑल्सो फॉर अस इन इंडिया इट्स अ नेबरिंग कंट्री। ना सिर्फ ये इतनी बड़ी, इतनी माइटी, इतनी पावरफुल कंट्री, अपने आप में एक सुपर पावर है, मगर साथ ही साथ ये हमारा एक पड़ोसी मित्र, एक पड़ोसी राज्य भी है हमारा जो है, लगभग इनसे बॉर्डर्स वगैरह लगती हैं, बाउंड्रीज लगती हैं, तो ये हमारी एक नेबरिंग कंट्री भी है। अब ये इन्होंने यहां पर बात करी है सोवियत यूनियन की, इस यानी कि कुल मिलाकर नेहरू जी ने तीन पर्टिकुलर इवेंट्स का जिक्र किया था जिनसे वो इंस्पिरेशन या मोटिवेशन उठाते हैं। सबसे पहला आपका अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में बातचीत करी उन्होंने कि यार इन लोग क्या लोग वो रहे होंगे जिन्होंने इस तरीके का जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इतना माइटी और इतना सुपर पावर और इतना मजबूत और इतना ग्रेट एंपायर या इतने ग्रेट नेशन के तौर पर जो है डेवलप। दूसरा उन्होंने बात करी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के उन परवानों की जो अड़ गए राजा के सामने कि अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, जब तक राजा के पर नहीं कतरे जाएंगे, जब तक राजा की ताकत पे लगाम नहीं लगाई जाएगी और जब तक जनता की नहीं सुनी जाएगी फ्रांस की, तब तक हम यहां से नहीं हटने वाले। अब जो संविधान बनेगा वो जनता की बात करेगा, राजा और उसके चाटुकारों की बात नहीं करेगा। इन लोगों की बात की गई, उनके सामने जो परेशानियां आई कि उनको एक कमरा तक जो है मीटिंग के लिए नहीं दिया गया, फिर भी वो नहीं हटे, अड़ गए। उन्होंने बोला जान से मार दोगे मार दो, मगर हम लोग यहां से तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होता जिसके तहत अब फ्रांस को रूल किया जाएगा और अब राजशाही अपनी मनमर्जी नहीं चला पाएगी। इस तरीके की जो डिटर्मिनेशन के साथ जो लोग उठे और खड़े हुए और जो तब तक नहीं हटे जब तक उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर लिया, नेहरू जी ने उनके बारे में बात करी। फिर नेहरू जी बात करते हैं सोवियत यूनियन के बारे में, सोवियत यूनियन का जो पूरा रिवॉल्यूशन हुआ था जिसके नतीजे में सोवियत यूनियन निकल कर आया, कितना माइटी एंपायर है और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ ही साथ कि वो हमारा एक नेबरिंग कंट्री भी है। यहां तक उन्होंने बात करके ये बताया कि हमारे देश का प्रथम प्रधानमंत्री जिसके द्वारा रखा गया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हमारे देश की अब दिशा और दशा तय करने वाला है क्योंकि उसके बेसिस पर संविधान बनाया जाएगा, वो बेसिकली किन पर्टिकुलर इवेंट्स वगैरह से इंस्पायर्ड था, एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है और हमको पता होना चाहिए। अगला आगे ये कहते हैं सो अवर माइंड गोज बैक टू दीज ग्रेट एग्जाम्पल्स एंड वी सीक टू लर्न फ्रॉम देयर सक्सेस एंड टू अवॉइड देयर फेलियर्स। तो ये जो हमारा दिमाग जब हम संविधान बनाने के लिए अपने देश का यहां पर बैठे हैं तो हमारा ध्यान जो है इन ग्रेट एग्जाम्पल्स की तरफ जा रहा है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग इनकी जो सक्सेस रही है इनसे सीखें और इनके जो फेलियर्स रहे हैं उनके बारे में भी हम जानते हैं क्योंकि इतना लंबा सफर जो है 150-150 साल पहले आपका अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई है 1946 में ये सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, 1917 में आपकी फ्रेंच आपका रशियन रिवॉल्यूशन हो चुकी है तो काफी वक्त भी हो गया। ना सिर्फ इनको अच्छी तरक्की मिली और सक्सेस मिली बट साथ ही साथ इन्होंने कुछ गलतियां भी करी। हमारी कोशिश ये रहेगी कि इनकी सक्सेस से जितना हो सके उतना ज्यादा सीखा जा सके बट साथ ही साथ हम लोग इन्होंने जो गलतियां करी हैं इनका जो फेलियर रहा है उसको हम लोग अवॉइड कर सकें। दूसरे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान रहने वाला है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन और रशियन रिवॉल्यूशन और उनके नतीजे में उनके देशों में जो संविधान या प्रावधान निकल कर आए उनसे इंस्पायर्ड रहने वाला है, उनसे हम लोग काफी सारी चीजें लेने वाले हैं, मगर हमारी कोशिश ये रहेगी कि सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें उठाएं और जो गलतियां उन्होंने करी थी या ऐसे प्रावधान डाले थे जिसके नतीजे में कुछ गलतियां उनसे हुई उनको अवॉइड किया जाए। जैसे ऐसे प्रावधान जो अमेरिका में डाले गए थे जिसके चक्कर में सिविल वॉर हो गया उसको अवॉइड कराया जाए, वो गलतियां जिसके चक्कर में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में नेपोलियन बोनापार्ट आ गया था उसको अवॉइड कराया जाए, और सोवियत यूनियन की वो गलतियां जिसके चक्कर में स्टालिन जैसे डिक्टेटर बनकर तैयार हो गए तो हम लोग उन मिस्टेक्स वगैरह को जनरली अवॉइड कर सके। हम लोग इस तरीके से जो है आगे बढ़ेंगे, सिर्फ इनकी अच्छी बातें लेने की कोशिश करेंगे, इनकी गलतियों से सबक लेते हुए वो प्रावधान नहीं डालेंगे जो इन्होंने डालकर अपना नुकसान किया या फिर उनसे उनको फायदा नहीं हुआ।
Perhaps we may not be able to avoid failures because some measures of failure is inherent in human effort. इसके आगे नेहरू जी एक बात कहते हैं कि हो सकता है हम कितनी भी कोशिश कर लें फेलियर से बचने की, मगर पूरी तरीके से हम लोग फेलियर्स को अवॉइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब इंसान कोशिश करता है तो गलतियां होती हैं, फेलियर्स वगैरह आते हैं। यहां से नेहरू जी का एक्सपीरियंस झलकता है कि वो मानते हैं कि परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती, जब आप काम करोगे तो वो गलतियां वगैरह जो है फिर होती होती हैं। तो उन्होंने ये भी बोला कि कोशिश पूरी रहेगी कि फेलियर्स वगैरह अवॉइड कराया जाए, बट हो सकता है कि हम पूरी तरीके से फेलियर्स को अवॉइड नहीं कर पाए, क्योंकि जब आप कोशिश करते हो, ह्यूमन एफर्ट मारते हो, तो परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती है, फेलियर्स वगैरह आते ही आते हैं। खैर, आगे वो बोलते हैं, नेवरतलेस वी शैल एडवांस, आई एम सर्टेन इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिफिकल्टीज। मगर भले ही फेलियर्स आए या कुछ भी हो, हमारे सामने ऑब्स्ट्रक्शंस आए या डिफिकल्टीज आए, मगर फिर भी हम लोगों को एडवांस करना है, हम लोगों को आगे बढ़ते चले जाना है, एंड अचीव एंड रियलाइज द ड्रीम दैट वी हैव ड्रीम सो फार। मतलब हमारे सामने कितनी भी समस्याएं आए, कितनी भी परेशानियां आए, हमारे से फेलियर्स भी होंगे, हमसे गलतियां भी होंगी, सब होने के बाद में भी हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, ऑब्स्ट्रक्शन से लड़ना, और अल्टीमेटली वो जो ड्रीम हमने सोचा है आजाद भारत का, जो एक तरक्की के रास्ते पर चलने वाला आजाद भारत है, जहां पर बराबरी है, जहां पर किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जहां प्रोग्रेस है, जहां प्रोस्पेरिटी है, जहां लोग भूखे सोने को मजबूर नहीं है, जहां पे किसी तरीके की ऐसी समस्या कोई ये नहीं है कि कोई किसी को गुलाम बना के रख रहा है, सब बराबरी से है, कानून की नजर में सब बराबर है, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जहां के लोग जो है उनका उनकी स्थिति ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा है, एजुकेशन है, नेशनलिस्ट है, सब देश की तरक्की में आपका सारा योगदान कर रहा है, इस तरीके का जो अच्छा मैप हमने सोचा है हिंदुस्तान का, वो बनाने के लिए जो संविधान हमारी मदद करेगा उस पर अब हमको काम करना, कोई भी परेशानी आ जाए अब हमको रुकना नहीं है। आगे ये बोलते हैं, वी से दैट इट इज अवर फर्म एंड सोलेम रिजोल्व टू हैव एन इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक। वही जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बातें की गई थी, जो मैंने पहली स्लाइड में हाईलाइट आपको करके बताई थी, वो यहां पर अब नेहरू जी अपने शब्दों में बोलते हैं कि वी से दैट इट इज अवर फर्म एंड सोलेम रिजोल्व, ये हमारा एक दृढ़ प्रतिज्ञा है, ये हमने कसम ले रखी है, हम लोगों ने ये प्रण ले रखा है कि हिंदुस्तान एक इंडिपेंडेंट सोवेरियन रिपब्लिक बनेगा, यानी कि हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रहेगा, आजाद होगा, सोवेरियन यानी कि संप्रभु होगा, हमारे फैसले हम लेंगे। और रिपब्लिक का मतलब क्या, हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी किसी राज परिवार का नहीं होगा, किसी का बेटा इसलिए वहां पर आगे बढ़ गया, ऐसा नहीं होगा, वो जनता के द्वारा चुनकर आएगा। हमारे देश में अब राजशाही पूरी तरीके से खत्म होगी, किसी तरीके का कोई राजा रजवाड़ा अब यहां पर नहीं चलेगा। आगे कहते हैं, इंडिया इज बाउंड टू बी सोवरेन, इट इज बाउंड टू बी इंडिपेंडेंट एंड इट इज बाउंड टू बी अ रिपब्लिक। हमारी नियति है कि हम जो है एक सोवरेन बनेंगे, हमारी नियति है कि हम पूरी तरह से आजाद और संप्रभु रहेंगे, और हमारी नियति है कि हम लोग एक रिपब्लिक बनेंगे, हमारे देश में राजशाही अब पूरी तरह से खत्म होगी। आगे ये बोलते हैं, नाउ सम फ्रेंड्स हैव रेज्ड द क्वेश्चन व्हाई हैव यू नॉट पुट द वर्ड डेमोक्रेटिक हियर। अब कई लोग यहां पर यह सवाल भी उठा रहे हैं, कई सारे मेरे मित्र ये भी पूछ रहे हैं कि तुमने सोवरेन सोशलिस्ट और सोवरेन और आपका इंडिपेंडेंट और रिपब्लिक की बात करी है, तो तुमने यहां पर डेमोक्रेटिक शब्द क्यों नहीं डाला, तुमने यहां पर लोकतांत्रिक शब्द क्यों नहीं डाला, जब तुम बोल रहे हो कि रिपब्लिक बनाएंगे, कोई राजा नहीं होगा, कोई रजवाड़ा नहीं होगा, तो फिर तुम यहां पर लोकतंत्र के लिए डेमोक्रेटिक वर्ड क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हो। वेल, आई टोल्ड देम दैट इट इज कंसीवियबल ऑफ कोर्स दैट अ रिपब्लिक में नॉट बी डेमोक्रेटिक, बट द वोल ऑफ अवर पास्ट इज द विटनेस टू दिस फैक्ट दैट वी स्टैंड फॉर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो मेरे दोस्त हैं जो ये कह रहे हैं कि यार जब तुम कह रहे हो कि राजशाही नहीं होगी, रिपब्लिक यानी कि हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ आदमी भी चुनकर आएगा, जनता के द्वारा वोट्स के द्वारा इलेक्ट होकर आएगा, यहां पर कोई राज परिवार या किसी तरीके की मोनार्की नहीं होने वाली है, जब तुम ये मान रहे हो तो फिर तुमने डेमोक्रेटिक वर्ड क्यों नहीं डाला। इस पर नेहरू जी ये बोलते हैं कि मैंने उन अपने दोस्तों को बोला है कि हाँ मैं मानता हूं इस बात को कि अगर आप एक देश को रिपब्लिक बना रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक ही हो, जरूरी नहीं है कि एक रिपब्लिक हो तो वो लोकतांत्रिक ही हो, मगर मैं साथ ही साथ उन लोगों को ये भी बता रहा हूं कि जो इतनी लंबी आजादी की लड़ाई लड़ी है, जो हिंदुस्तान का इतना बड़ा इतिहास रहा है, और जो हमारा पूरा मोमेंट बनकर आया जिसमें हम लोगों ने गांधी जी के आइडियल्स पर चलते हुए लाठियां खाई हैं मगर हिंसा नहीं करी, हम लोगों ने आत्मशक्ति के ऊपर फोकस किया, सत्याग्रह किया, हमारा जो पूरा का पूरा फोकस एम्फेसिस था वो कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर था, और ये सारा जो हमारा पूरा एक ये पास्ट रहा है, अगर आप इसको विटनेस करोगे, अगर आप इसको देखोगे, तो इससे क्लियर समझ में आता है कि हम लोग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के पक्ष में थे, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाना चाहते थे। अब हमको अपने आप को याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि हमें डेमोक्रेसी बनाना है, हम इन बिना बोले इंप्लाइड तरीके से हम उसी रास्ते पर सालों से आगे चल रहे हैं जिससे अल्टीमेटली निकलकर एक ही चीज आने वाली है जिसका नाम डेमोक्रेसी है या जिसका नाम लोकतंत्र है, इसलिए इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कम से कम मैं इसकी जरूरत नहीं समझता। नेहरू जी ने इस बात को आपका जब
13 दिसंबर 1946 को जब ये स्पीच दे रहे थे तब उन्होंने इस बात को कहा था। ऑब्वियसली वी आर एमिंग एट डेमोक्रेसी एंड नथिंग लेस देन अ डेमोक्रेसी। ऑब्वियसली बात है, हम लोग सिर्फ लोकतंत्र के ऊपर एम करके चल रहे हैं और डेमोक्रेसी से कम हम लोग किसी चीज के ऊपर हम बात नहीं करना चाहते। डेमोक्रेसी से हम लोग किसी भी कम तरीके की जो चीज है उसके ऊपर हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आगे ये बोलते हैं, व्हाट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट शेप इट माइट टेक इज अनदर मैटर। हालांकि अब डेमोक्रेसी आएगी तो किस तरीके की डेमोक्रेसी आएगी, कैसी डेमोक्रेसी रहेगी, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, वो एक अनदर मैटर है। उसके बारे में हम लोग बाद में बातचीत करेंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन वगैरह बाद में करेंगे। मगर इतना तय है कि हिंदुस्तान में आएगी डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान में लोकतंत्र से कम किसी बात के ऊपर अब बातचीत नहीं होगी, हिंदुस्तान अब डेमोक्रेसी पर किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। चले जी आगे बढ़ते हैं। इसके आगे नेहरू जी कहते हैं, द डेमोक्रेसी ऑफ द प्रेजेंट डे मेनी ऑफ देम इन यूरोप एंड एल्सवेयर हैव प्लेड अ ग्रेट पार्ट इन वर्ल्ड्स प्रोग्रेस। कि जो आज की तारीख में जो डेमोक्रेसीज हैं, प्रेजेंट तारीख में, हिंदुस्तान की वो बात नहीं कर रहे हैं, हमारा देश भी डेमोक्रेसी है मगर तब तो खैर कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाया जा रहा था। तो ये कहते हैं द डेमोक्रेसी ऑफ प्रेजेंट है, यानी कि उस वक्त के जो प्रेजेंट है तब की बात हो रही है, जो जिसमें से आज की तारीख में जितनी भी आपकी लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिनमें से मैक्सिमम यूरोप में चल रही हैं और कुछ बाहर भी हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह में या कैनेडा में, इन्होंने आपका दुनिया की प्रगति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। येट इट मे बी डाउटफुल इफ दोज डेमोक्रेसीज में नॉट हैव टू चेंज देयर शेप समवॉट बिफोर लॉन्ग इफ दे हैव टू रिमेन कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। मगर फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि इन डेमोक्रेसीज को अपने वक्त के साथ में अपने अंदर कुछ बदलाव लाना पड़ेंगे, कुछ अपने अंदर चेंजेस लाना पड़ेंगे अगर ये पूरी तरीके से लोकतंत्र रहना चाहती हैं। वक्त के साथ में जो बदलाव आएंगे उनके अनुसार अगर ये अपने आप को ढालेंगे नहीं और अपने अंदर जो भी बदलाव है वो लेकर नहीं आएंगे अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तब ये पूरी तरह से लोकतंत्र रह नहीं पाएंगे। अगर ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसीज रहें यूरोप में या फिर अमेरिका या कनाडा या जापान या कहीं और, तो इनको सबसे पहले इनको भी जो है वक्त के साथ में अपने अंदर कुछ ना कुछ बदलाव अपने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में लाना पड़ेंगे अगर ये पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक रहना चाहते हैं। वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू कॉपी, आई हैव अ सर्टेन डेमोक्रेटिक प्रोसीजर और We are not just going to copy, I hope, a certain democratic procedure or an institution of a so-called democratic country. अब क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो democracies हैं, हालांकि इन्होंने दुनिया की तरक्की में बहुत बड़ा रोल अदा किया है, चाहे यूरोप की democracies हों, चाहे अमेरिका की हों, चाहे कनाडा की हों या कहीं और की हों, मगर फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि इनका जो democratic structure है वैसा नहीं है कि ये एकदम पत्थर पे बनी हुई लकीर हो गई। इनको अपने democratic structure में वक्त के साथ में बदलाव करना पड़ेंगे अगर ये चाहते हैं कि ये पूरी तरीके से democratic रहे। तो क्योंकि हम लोग यहां पर ऐसा देख रहे हैं या फिर मेरा ऐसा मानना है कि वक्त के साथ में इनको अपने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में बदलाव करना पड़ेंगे अगर ये चाहते हैं कि ये पूरी तरह से डेमोक्रेटिक रहे, इसलिए हम लोग इनको पूरी तरीके से कॉपी पेस्ट तो नहीं करेंगे। हम लोग ये तो नहीं करने वाले कि इन लोगों के यहां जो व्यवस्था वगैरह चल रही है हम लोग वही व्यवस्था जस की तस अपना लें, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपसे बोला कि ये लोगों को भी वक्त के साथ में अपने अंदर अपनी डेमोक्रेसीज में कुछ ना कुछ बदलाव लाना पड़ेंगे। तो हम लोग इनको आंख बंद कर जस का तस डेमोक्रेसी लाने के नाम पर कॉपी तो नहीं करेंगे। आई होप अ सर्टेन डेमोक्रेटिक प्रोसीजर और एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री। तो हम लोग इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज की पूरे के पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसीजर को या फिर इनके किसी इंस्टीट्यूशन की वर्किंग को जस का तस जो है हम लोग कॉपी नहीं करने वाले। हम लोग उसमें अपने हिसाब से कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह कर ही उनको अडॉप्ट करेंगे। आगे ये बोलते हैं, वी मे इंप्रूव अपॉन इट इन एनी इवेंट, व्हाटएवर सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट वी मे एस्टैब्लिश हियर मस्ट फिट इन विद द टेंपर ऑफ द पीपल एंड बी एक्सेप्टेबल टू देम। तो हम लोग जस का तस तो किसी भी सिस्टम की डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक व्यवस्था या किसी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को जस का तस तो अडॉप्ट नहीं करेंगे। हम लोग अपने हिसाब से जो भी उसमें बदलाव हमें करना होगा वो करेंगे और ये बदलाव इस बात को भी ध्यान में रखकर किया जाएगा कि जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश में बनेगा, जो भी तरीका बनेगा जिससे यहां पर शासन चलाया जाएगा, उसको इस तरीके का बनाया जाएगा कि वो लोगों की समझ में आए, लोगों के टेंपर के अनुसार वो फिट बैठे और लोगों को एक्सेप्टेबल हो। लोग यह नहीं हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे अंग्रेजों के टाइम पर था कि आपने एक नई तरीके की व्यवस्था लाके लगा दी और लोगों को हवा ही नहीं लग रही है, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या इन्होंने कर दिया है। हमारे यहां पहले राजशाही चल रही थी, अब वो एकदम अलग तरीके का व्यवस्था आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर। राजशाही भी अगर अच्छी नहीं थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो है बहुत अच्छी नहीं थी, सब जो है लूट रहे थे, मगर एकदम से नई व्यवस्था आ गई तो लोग समझ ही नहीं पाए कि अब क्या किया जाए। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम किस तरीके की व्यवस्था अपनाएंगे अभी तो डिसाइडेड है नहीं, अभी जो फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग लिखने बैठेंगे, मगर जिस भी तरीके की व्यवस्था को अपनाया जाएगा उस पर्टिकुलर व्यवस्था को इस तरह से बनाया जाएगा कि लोगों के समझ में आए, लोगों के लोग उसे अडॉप्ट कर सके और लोगों को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। आगे ये बोलते हैं, वी स्टैंड फॉर डेमोक्रेसी
इट विल बी फॉर दिस हाउस टू डिटरमाइन व्हाट शेप टू गिव टू दैट डेमोक्रेसी, द फुलेस्ट डेमोक्रेसी आई होप। मगर हम लोग लोकतंत्र के साथ खड़े हैं, इस देश में चलेगी तो अब लोगों की, इस देश में अब राजे रजवाड़ों के दिन लद गए, अब वो दिन गए कि आप एक तलवार उठा के हाथ में लेके किसी को भी जो है सर काटने का आदेश दे दो, किसी को भी सोने में तोलने का आदेश दे दो, अब वो राजे रजवाड़ों के दिन और वो इंडिविजुअल के हाथ में पावर होने के दिन गए। इस देश में अब चलेगी तो डेमोक्रेसी, इस देश में अब लोकतंत्र के अलावा किसी और चीज का कोई जिक्र यहां पर नहीं हो सकता। मगर अब किस तरीके की डेमोक्रेसी चलेगी वो ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है वो बैठकर डिसाइड करेगी कि इस देश का लोकतंत्र क्या होगा, कैसा होगा, किस तरीके का होगा, मगर होगा डेमोक्रेसी और इसमें पूरा इंश्योर किया जाएगा कि फुलेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आपको देखने को मिले, इस तरीके की डेमोक्रेसी आपको देखने को मिले जो इंसान लोगों की एस्पिरेशन को पूरी तरीके से पूरा करती है और सही मायनों में हर एंगल से हर डायमेंशन से वो एक लोकतंत्र या फिर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था हो। आगे बढ़ते हैं। The House will notice that in this resolution, although we have not used the word democratic, because we thought it is obvious that the word republic contains that word, and we do not want to use unnecessary word and redundant words. But we have done something much more than using the word. अब इसमें नेहरू जी ये बोलते हैं कि अब House में बैठे हुए कई लोग जो हैं इस बात को भी notice करेंगे कि ये जो resolution है objective resolution, इसमें मैंने ये जो शब्द है democratic इसका इस्तेमाल नहीं किया। अब मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूं डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र लाने की और ये सारी बातें हो रही हैं, मगर फिर भी मैंने डेमोक्रेटिक शब्द जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया। इसके लिए नेहरू जी आगे कहते हैं, क्योंकि हमारा ये सोचना है कि ये जो शब्द रिपब्लिक हमने इस्तेमाल किया है इसमें डेमोक्रेटिक वर्ड जो है वो अपने आप ही आ जाता है, और हम लोग बिना मतलब में अननेसेसरीली शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते या ऐसे शब्द जो रिडंडेंट लगते हैं हम उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे ना। और बात यहां पर सिर्फ शब्दों के इस्तेमाल की ही नहीं है, हम लोगों ने यहां पर शब्दों का इस्तेमाल करना या ना करना उससे ज्यादा बड़ी एक चीज करी है, उसके बारे में अब हम लोग अभी आगे बातचीत करेंगे। मगर नेहरू जी इस तरीके से अपनी बात को बनाते हैं कि कई लोग यहां पे कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी कितनी बातें हो रही हैं मगर डेमोक्रेटिक शब्द तो आपने इस्तेमाल ही नहीं किया। तो उनका कहना यह है कि जो रिपब्लिक शब्द इस्तेमाल किया उसका मतलब ही जो है डेमोक्रेटिक, उसमें ही जो है डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक मीनिंग जो है आ जाता है, मगर बात यहां पे शब्दों के इस्तेमाल या इस्तेमाल ना करने की नहीं है। एक तो मैं यहां पे अननेसेसरीली शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं चाहता या ऐसे शब्द जो रिडंडेंट से लगे जिनका कोई मतलब या पर्याय समझ में ना आए मैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मगर यहां पे बात शब्दों के इस्तेमाल करने या ना करने से ज्यादा की है। मैंने उससे ज्यादा कुछ किया है, क्या? We have given the content of democracy in this resolution and not only the content of democracy but the content, if I may say so, of economic democracy in this resolution. हमने इसमें डेमोक्रेसी शब्द का इस्तेमाल किया या नहीं किया वो मैटर नहीं करता, हमने उससे ज्यादा बड़ा काम किया, हमने इसमें डेमोक्रेसी के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनको शामिल किया है। अब आपने अगर डेमोक्रेसी चाहिए तो डेमोक्रेसी बस बोल देने से तो आनी जाएगी, उसके लिए आपको कुछ चीजों को शामिल करना पड़ेगा, तो जो कंटेंट है वो जो आपका सामग्री है जो डेमोक्रेसी में लगती है हमने उस कंटेंट को जो है इसमें शामिल किया है इन दिस रिजोल्यूशन एंड नॉट ओनली द कंटेंट ऑफ डेमोक्रेसी बट द नॉट ओनली द कंटेंट ऑफ डेमोक्रेसी बट द कंटेंट इफ आई मे से सो ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन दिस रिजोल्यूशन। और सिर्फ हमने इसमें आपका राजनीतिक लोकतंत्र की बात नहीं करी है, राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब ये होता है जिसमें लोग जो है किसी को चुनकर भेजते हैं और वो जो है फिर आपका शासन वगैरह चलाता है, ये तो डेमोक्रेसी की बात होगी। तो नेहरू जी ये कहते हैं कि हमने डेमोक्रेसी शब्द इस्तेमाल किया है नहीं किया वो मैटर नहीं करता, हमने उससे ज्यादा बड़ा काम किया है, हमने डेमोक्रेसी के लिए जो कंटेंट चाहिए होता है उसकी बात करी है, और डेमोक्रेसी से यहां पे मतलब वो व्यवस्था जिसमें लोग अपने में से किसी एक बंदे को चुनकर भेजते हैं। उनका ये कहना है कि ना सिर्फ मैंने यहां पर उस डेमोक्रेसी के लिए आपको सामान दिया है बट साथ ही साथ मैंने यहां पर एक और चीज करी है, मैंने इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है वो आपके देश में आए उसकी भी व्यवस्था करी है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब है कि जब आपके देश में इस तरीके की व्यवस्था हो कि जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होना है वो इस तरीके से हो कि सब लोगों के हाथ में कुछ ना कुछ आए, ऐसा ना हो कि एक हिस्सा जो है बस वही कमाए जा रहा है और बाकी सब जो है भूखे मर रहे हैं, उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, इस तरीके की व्यवस्था हमारे देश में नहीं है। इस तरीके का सिस्टम है कि अगर सरकार कोई व्यवस्था बनाती है, कोई कानून बनाती है, कोई काम होता है तो उसका फायदा सब लोगों तक पहुंचता है। इस तरीके की जो है मैंने व्यवस्था आपको कर दी है, तो ना सिर्फ मैंने यहां पर डेमोक्रेसी का कंटेंट आपको दिया है साथ ही साथ मैंने इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का भी जो है व्यवस्था इस रेजोल्यूशन में कर रखी है। आगे वो कहते हैं, अदर्स माइट टेक ऑब्जेक्शन टू दिस रेजोल्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट वी हैव नॉट सेड दैट इट शुड बी अ सोशलिस्ट स्टेट। अब कई लोग जो हैं जो सोशलिज्म की तरफ झुकाव रखते हैं, जो सोवियत यूनियन की विचारधारा है उसकी तरफ झुकाव रखते हैं, वो लोग ये बोलेंगे कि नेहरू जी आप तो सोशलिज्म के इतने बड़े पक्षधर हो, उसके बाद भी आपने आपके पूरे के पूरे रेजोल्यूशन में ये सोशलिस्ट स्टेट बनाने की बात क्यों नहीं करी है, या फिर आपने ये क्यों नहीं बोला है कि हिंदुस्तान को डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक और इन सब के साथ में आप सोशलिस्ट भी बनाना चाहते हो। इस बात के ऊपर भी कई लोग जो है आपका ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। इस पर मैं ये कहता हूं, वेल आई स्टैंड फॉर सोशलिस्ट
and I hope, well, I stand for socialism and I hope India would stand for socialism and that India would go towards constitution of a socialist state. आगे ये कहते हैं कि कई लोग हालांकि इस बात के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि आपने सोशलिस्ट स्टेट शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया. इस पर मैं उन लोगों से ये कहता हूं कि मैं सोशलिज्म के साथ खड़ा हुआ हूं, मैं समाजवाद के साथ मैं खड़ा हुआ हूं और मैं जो ये आपका सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है इसका इसमें बिलीव करता हूं और मेरा मानना है आई होप इंडिया वुड स्टैंड फॉर सोशलिज्म एंड दैट इंडिया विल गो टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सोशलिस्ट स्टेट. और मेरा मानना है कि जो हिंदुस्तान है वो भी सोशलिज्म के साथ में खड़ा होगा और उसका उसी तरह से सपोर्ट करेगा जैसे मैं करता हूं. और धीरे धीरे ही सही मगर जैसे हम लोग संविधान बनाएंगे अभी तो उसमें जो भी प्रावधान अब डालने वाले हैं तो अल्टीमेटली होते होते हिंदुस्तान का संविधान भी जो है एक सोशलिस्ट स्टेट की तरफ जाएगा. सोशलिस्ट स्टेट का मतलब क्या, एक ऐसा स्टेट जिसमें आपकी जो सरकार है जो वो इंश्योर करती है कि सब लोगों के पास बेसिक व्यवस्था जो है पहुंचे, सरकार की नजर में सब बराबर होते हैं और सरकार जो है सबका ध्यान रखती है. इस तरीके का जो स्टेट होता है जिसमें आपको राशन वगैरह दिया जाता है, आपको मेडिकल की सुविधाएं दी जाती हैं, आपका पूरा पढ़ाई लिखाई जो है वो सब फ्री में करवाई जाती है, बदले में सरकार जो है आपकी योग्यता के अनुसार आपको कुछ काम देती है, इस तरीके की जो सोवियत यूनियन की व्यवस्था है जिसको सोशलिस्ट स्टेट बोला जाता है, नेहरू जी ये कह रहे थे कि मैं सोशलिज्म का सपोर्टर हूं और मेरा मानना है कि हिंदुस्तान भी जो है सोशलिज्म के साथ में खड़ा होगा और हिंदुस्तान भी जो है धीरे धीरे ही सही जैसे जैसे संविधान आगे बनेगा सोशलिज्म की तरफ या सोशलिस्ट स्टेट की तरफ जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जाएगा. एंड आई डू बिलीव दैट होल वर्ल्ड विल हैव टू गो दैट वे. साथ ही साथ मेरा यह भी मानना है कि पूरी की पूरी दुनिया जो है उसको अल्टीमेटली सोशलिज्म के रास्ते पर एक ना एक दिन चलना पड़ेगा और सारे देश सारे संविधान सारी व्यवस्थाएं अल्टीमेटली समाजवाद की तरफ सोशलिज्म की तरफ जो है आगे बढ़ेंगी. ये जो है नेहरू जी का कहना था अपनी स्पीच में. चलें जी आगे देखते हैं. तो नेहरू जी ने अब जो स्पीच दी है उसकी हम लोग यहां पर अब स्क्रूटिनी करेंगे. हम लोग यहां पर देखेंगे कि जो स्पीच निकल कर आई है इसमें नेहरू जी कहना क्या चाह रहे हैं. अभी तक हम लोगों ने इनकी पूरी स्पीच देखी, इसको हम लोगों ने कई सारी स्लाइड्स में कवर किया, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं. नेहरू जी अपनी बातचीत शुरू करते हैं अमेरिकन रिवोल्यूशन के साथ में, फिर वो फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं. अब फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में वो थोड़ा डिटेल में बातचीत करते हैं और फिर आगे बोलते हैं कि जिस तरीके की स्पिरिट फ्रेंच रिवोल्यूशन वाले लेकर चले थे वो स्पिरिट हम लोग लेकर चलेंगे. फिर इसके बाद में वो आपका बात करते हैं सोवियत स्टेट बनने की जो पूरा प्रोसेस रही और जो रशियन रिवोल्यूशन हुआ था अक्टूबर रिजोल्यूशन या बोल्शेविक रिवोल्यूशन उसकी बात करते हैं. उसके बाद में फिर वो अब आते हैं अपने कि वो हिंदुस्तान को बनाना क्या चाहते हैं. तो सोवरेन रिपब्लिक और ये जो भी आपका सोवरेन रिपब्लिक बनाना चाहते हैं और इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं उसके बारे में बात करी और उसका फिर वो क्या मतलब बताते हैं वो. फिर यहां पर किस तरीके की जो व्यवस्था रहने वाली है ये इसी तरीके की व्यवस्था क्यों बनाना चाहते हैं इसके बारे में बातचीत होती है. डेमोक्रेसी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया क्यों नहीं किया गया उसके बारे में बातचीत आती है. और लास्ट में सोशलिज्म वगैरह शब्द जो है इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट कि नेहरू जी खुद सोशलिज्म के इतने बड़े सपोर्टर थे उसके बाद भी सोशलिज्म शब्द क्यों नहीं डाला गया उसके बारे में वो बातचीत करते हैं. अब हम लोगों को यहां पर इस पर्टिकुलर ये जो पूरा का पूरा हम लोगों ने ये स्पीच पढ़ी है इसके अब हम लोगों ने यहां पर थोड़ी सी स्क्रूटिनी वगैरह करनी है. हमें देखना है कि इस स्पीच का अल्टीमेटली जो सार है वो निकल कर क्या आता है. अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ बात करी है आपका पूरा का पूरा स्पीच में जो नेहरू जी के शब्द थे वो क्या थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है मगर अब हम लोग उसकी स्क्रूटिनी वगैरह कर देखेंगे. तो अब नेहरू जी की जो स्पीच है इसकी अगर आप स्क्रूटिनी करें इसका सार देखें इसका लब्बो लुबाब अगर आप निकालना चाहें तो पहली बात जो निकल कर आती है कि नेहरू जी ने अमेरिकन रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बात करी और ये बोला कि हम लोग यहां से इंस्पिरेशन तो लेंगे मगर जरूरी नहीं है कि जो बातें उन्होंने अपने अपने देशों में लगाई थी वो जिसका तस हम लोग यहां पे उसको ब्लू प्रिंट मानकर चलें और उसके अनुसार हम भी वही सारी चीजें करें जो उन लोगों ने करी. ये हमारा इंस्पिरेशन है ये हमारा मोटिवेशन है कुछ ना कुछ अच्छी बातें उठाएंगे मगर ये नहीं है कि जो उन्होंने अपने देश में किया था जिसका तस वही हम लोग यहां पे करना शुरू कर दें. पहली बात तो ये निकल कर आती है. दूसरा वही कहते हैं एनी ऑफ दोज इवेंट्स कुड नॉट बी मैकेनिकली बोरोड एंड अप्लाइड इन इंडिया कि हम लोग एक तो इनके यहां पे जो हरकतें हुई थी या जो भी चीजें हुई थी उसको ब्लूप्रिंट बांध कर नहीं चल सकते कि जस का तस हम लोग करते हैं. दूसरा हम लोग उन्हीं चीजों को उठा के जस का तस इंडिया के ऊपर कॉपी पेस्ट नहीं करने वाले. ठीक है जी ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनको ये बात समझ में आती थी कि हिंदुस्तान बहुत अलग है बहुत डाइवर्स है और किसी भी दूसरे देश का एक एक्सपेरिमेंट जस का तस कट कॉपी पेस्ट डिटो नहीं हो सकता. आप इससे इंस्पिरेशन ले सकते हो उसको एक आधार बना सकते हो मगर उसको जस का तस आप अपने देश में लागू नहीं कर सकते जैसा का तैसा. पहली चीज तो नेहरू जी ने जो बोली थी वो इन दो पॉइंट्स से क्लियर हो जाती है. उनकी स्पीच में जो बात थी वो यहां पर इन दो पॉइंट्स में जो है निकल कर आ जाती है. आगे वो कहते हैं कि उन्होंने साथ ही साथ डेमोक्रेसी को डिफाइन भी नहीं किया और ये भी कि हिंदुस्तान में किस तरीके की डेमोक्रेसी रहने वाली है किस तरीके का लोकतंत्र होगा और ये आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर छोड़ दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो शॉर्ट में यहां पर सीए लिखा हुआ है वो डिसाइड करें कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी किस तरीके की रहने वाली है. इसके बाद में ये आगे कह
कहते हैं, इनका कहना यह है कि ही स्ट्रेस दैट वी विल नॉट जस्ट कॉपी पेस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस ऑफ अदर नेशंस बट द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विल बी टू बी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विल फिट इन विद द टेंपर ऑफ इंडियंस एंड विल बी एक्सेप्टेबल टू देम। आगे ये लोग ये कहते हैं कि ना तो सिर्फ हम लोग कट कॉपी पेस्ट करने वाले हैं चीजों को, मगर जो भी चीजें हम लोग अपने देश में अडॉप्ट करेंगे, जो भी प्रोविजंस वगैरह हम लोगों को अपने देश में अडॉप्ट करने हैं, ये कुछ इस तरीके के प्रोविजंस होंगे या फिर हमारे यहां इन सारे प्रोविजंस को अडॉप्ट करकर जो भी तरीके की व्यवस्था निकल कर आएगी वो उस तरीके की होगी जो हिंदुस्तानियों के टेंपर के अनुसार हो, जो इंडियंस को एक्सेप्टेबल हो, जो ऐसा ना हो कि आपने उनके ऊपर कोई अलग तरीके की चीज ला दी। अब हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, हमारे सामने कोई जापानी बोलने लगे, हमें समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो हमारी मातृभाषा नहीं है, तो उस तरीके का नाटक नहीं होगा कि यहां पे एक अलग तरीके की व्यवस्था लाके आप हिंदुस्तानियों के सर पर डाल दो जो उनको हवा ही नहीं लग रही, उनको समझ ही नहीं आ रहा है। जो भी व्यवस्था अपनाई जाएगी, एक तो कट कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, किसी से हम लोग जस का तस कोई भी चीज कॉपी नहीं करने वाले, मगर जो भी चीज हम लोग किसी से लेंगे, अगर हम लोग किसी चीज से कुछ बोरो करेंगे, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उठाकर अपने देश में हम लोग जो भी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बनाएंगे उसको बनाते वक्त नेसेसरी मॉडिफिकेशंस होंगे और साथ ही साथ हम लोग ध्यान रखेंगे कि वो इंडियंस के टेंपर्स के साथ में जो है वो फिट बैठे और हिंदुस्तानियों को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि हम लोग डेमोक्रेसी के नाम पर जो यूरोप के आपके वेस्टर्न यूरोप के जो देश है उनमें जो डेमोक्रेसी चल रही है वो, और या फिर जो अमेरिका या कनाडा में जो डेमोक्रेसी चल रही है, हम लोग वैसी की वैसी डेमोक्रेसी लेकर नहीं आएंगे। हम लोग जो सोवियत यूनियन का सोशलिस्ट मॉडल है उससे भी हम लोग कुछ ना कुछ मोटिवेशन उठाना चाहते हैं और हम लोग उससे भी कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लेंगे और उसको भी हम अपने संविधान में शामिल करेंगे। दूसरे शब्दों में नेहरू जी ये बोल रहे हैं कि हम लोग जो आपका लिबरल आइडियाज जो है डेमोक्रेसी के, जो फ्रांस में, ब्रिटेन में, आपका अमेरिका में, कनाडा में चल रहे हैं, हम लोग डेमोक्रेसी के उन लिबरल आइडियाज को सोशलिस्ट के आइडियाज हैं इकोनॉमिक जस्टिस के, कि सबके साथ में आर्थिक तौर पर आपको अधिकार आपको जो है बराबरी की बात करना पड़ेगी, हम लोग इनको मिलाएंगे, क्योंकि इनका मानना यह था कि कानूनी तौर पर यह बोल देना कि आप सब बराबर उसका कोई मतलब नहीं है, अगर एक सामने वाला सोने की थाली में खाना खा रहा है और दूसरे को भूखा सोना पड़ रहा है, तब यह बोलना कि तुम दोनों कानूनी तौर पर बराबर हो यह मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। सोशलिज्म यह करता है कि सामने वाला जो भूखा सो रहा है उसके हाथ में भी रोटी पकड़ा रहा है और जो सामने वाला आपका सोने की थाली में खाना खा रहा है उसको यह बोल रहा है कि यह खाना आपका नॉर्मल प्लेट में भी खाया जा सकता है, सोने की थाली हमें दे दो। तो एक बेसिकली इकोनॉमिक जस्टिस की बात हो रही है, आर्थिक तौर पर जो है बराबरी की बात जो है, ये जो सोशलिस्ट आइडिया है इसको लिबरल डेमोक्रेसी के आइडिया के साथ में फ्यूज करेंगे, उनको अडॉप्ट करेंगे और उसके बाद में हम लोग इंडियन कंटेक्स्ट में उसको जो है एक्सेप्ट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है। नेहरू जी ने कभी नहीं बोला कि मैं अमेरिका कनाडा की डेमोक्रेसी जस की तस लाकर डाल दूंगा, साथ ही साथ नेहरू जी ने कभी नहीं बोला कि हम लोग यहां पर एक सोवियत यूनियन जैसा मॉडल बना देंगे और सबको हंटर मारेंगे और सब ये सारी चीजें करने वाले हैं, एकदम तानाशाहों की तरह चलेंगे। हम लोग क्या करेंगे, लिबरल डेमोक्रेसी के जो आइडियाज हैं उनको भी उठा रहे हैं और सोशलिज्म का जो एक आपका खास तौर पे इकोनॉमिक जस्टिस का मॉडल है कि ये नहीं हो कि एक आदमी जो एकदम भूखा मर रहा है दूसरा सोने की थाली में खाना खा रहा है, वो चीज नहीं होना चाहिए, सबको जो है बेसिक नीड्स और बेसिक रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी होनी चाहिए, ये इकोनॉमिक जस्टिस का जो आइडिया है ये हम लोग उठाएंगे और बाकी सारे भी जो सोशलिस्ट आइडियाज हैं जस्टिस के उनको उठा के लिबरल आइडियाज को उठा के आपस में उनको रीअडॉप्ट करेंगे, उनके ऊपर जो भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अनुसार जो भी आपको करना पड़ेगी चीजें वो सारी करेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम लोग फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उनको अडॉप्ट करेंगे। दूसरे शब्दों में नेहरू जी का कहना ये था कि सबसे सीखो, सबके जो भी आपके एक्सपीरियंसेस वगैरह हैं सबको लो, अपनी क्रिएटिव थिंकिंग लगाओ, हिंदुस्तान के अनुसार क्या अप्रोप्रिएट हो सकता है उसको लो और उसको अडॉप्ट कर एक अपना संविधान अपने बनाकर तैयार करना है। ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का लब्बो लुभाव जो है समझ में आता है, यहां से आपको समझ में आता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बेसिकली करना क्या चाहता था, किस रास्ते पर लेकर जाना चाहता था, नेहरू जी का क्या विजन था और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए किस तरह से फिर हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने काम करकर वो संविधान बनाकर तैयार किया जो आज है और जिसके बेसिस पर हमारा देश पिछले 70 सालों से चल रहा है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोगों ने जो ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का जो विजन था, खास तौर पे पंडित नेहरू जी ने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा जिसके बेसिस पर फिर पूरा का पूरा संविधान लिखा गया है, जिन आइडियल्स या जिन पर्टिकुलर फंडामेंटल्स को ध्यान में रखकर फिर पूरा संविधान तैयार किया गया है, वो आइडियल्स आखिर आए कैसे, नेहरू जी के दिमाग में वो बातें कैसे आई, क्यों उन्हीं चीज़ों को शामिल किया गया, क्यों कई सारी चीज़ें जिनका वो खुद सपोर्ट करते थे उनको शामिल नहीं किया गया, क्या उनका विजन था, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने समझा है, उनकी स्पीच का एनालिसिस वगैरह किया है और बाकी सारी चीजें हम लोगों ने देखकर खत्म करी हैं। तो आज का जो सेशन होगा यहीं पर खत्म होगा और इसके आगे फिर हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो फंक्शनिंग के दूसरे एस्पेक्ट्स वगैरह हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो
खत्म करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाएं, यहाँ पर सारा का सारा एजुकेशन क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। जिस भी क्लास की वीडियोस आपको देखने हैं उस पर क्लिक करें, जैसे क्लास 12 की वीडियोस पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको फिर सारे लेक्चर्स वगैरह निकल कर आ जाएंगे। ये जैसे CBSE के हैं, अगर आप स्टेट बोर्ड्स हैं तो उसके भी आपको वीडियोज मिल जाएंगे, आप हिंदी मीडियम्स हैं तो उसके भी वीडियोज आपको मिल जाएंगे। और इन सबका आप फायदा उठाएं, जितना चाहते हैं आप उतना ज्यादा पढ़ें, जितना चाहते हैं आप उतना नॉलेज ग्रेन करें, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई सब्सक्रिप्शन पेड आपको लेने की जरूरत नहीं है। कभी ऐसा नहीं होगा कि दो लेक्चर्स पढ़ने के बाद में आपसे ये बोला जाए कि भाई बाकी के लिए आप जो है पैसा वगैरह पे करिए, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको सारा का सारा एजुकेशन वगैरह जो है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करने के लिए दिया जाएगा। मैग्नेट ब्रेन से इंश्योर करेगा कि आप तक क्वालिटी कंटेंट आता रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता रहे, आप उसका मैक्सिमम लाभ उठाएं, अपने एग्जाम्स में अच्छा करें, अपने करियर्स में अच्छा करें, बढ़िया इंसान बने, बेहतर भविष्य बनाएं और देश की तरक्की में, देश की प्रोग्रेस में, प्रोस्पेरिटी में अपना कंट्रीब्यूशन दें। इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। अपना खूब ध्यान रखें, खूब खुश रहें, खूब पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद।